हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सरल एग। इसके लिए लिया है हमने एक कटोरी चावल, दो चम्मच मूंग की दाल बिना छिलके वाली दालें, दो चम्मच खड़े मूंग, दो चम्मच तुअर की दाल, दो चम्मच मसूर की दाल, दो चम्मच मोठ और छह हमने यहाँ पर बादाम लिए। चम्मच हमने ये वाली यूज़ की है, इस चम्मच से सभी दालों को हमने नापा है। सबसे पहले हम सारे अनाज, चावल, मूंग की दाल, तुअर की दाल और मसूर की दाल, इसको अलग से धो लेंगे। और जो ये मोठ और मूंग है, इन्हें अलग से हम धोकर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिंगो देंगे। देखें, हमारे सब अनाज है वो अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल कर एक साफ कपड़े पर फैला देते हैं, जिससे इसका थोड़ा पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। देखें, हमारे सभी अनाज हैं वो अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इन्हें सेक लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखी है हमने, कढ़ाई गर्म हो जाए। अब हम इन्हें धीमी आंच पर अच्छा कड़क होने तक सेकेंगे। हम मूंग और मोठ को भी साथ में भिगो सकते थे, लेकिन जब हम सेकते हैं तो मूंग और मोठ को सिकने में टाइम लगता है। बाकी दाल जो मूंग की होती है वो बारीक होती है, बहुत जल्दी सीख जाती है, ज़्यादा देर सेकने में फिर वो जल जाती है, इसलिए हमने उन्हें अलग अलग भिगोया है। पहले ये सेक लेंगे, उसके बाद हम मूंग और मोठ को भी सेक लेंगे। देखें, हमारे चावल का अच्छा कलर सुनहरी हो गया है और ये कड़क भी हो गए हैं। इन्हें आप हाथ से दबा के देखेंगे तो ये अच्छे कड़क गए हैं, या तो फिर आप मुंह में डालकर देख लें इसे। अब हम इसे अलग थाली में निकाल लेते हैं। इसे अब हम ठंडा होने देंगे और इसी कढ़ाई में जो मूंग और मोठ थे वो भी हम सेक लेते हैं। लगभग चावल सेकने में हमें 20 मिनट का समय लगा है। अब हम इसी तरीके से ये मूंग और मोठ को भी धीमी आंच पर अच्छे से कड़क होने तक सेक लेंगे। सभी अनाज हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। इस पे जो हमने बादाम ली थी वो भी डाल देंगे। हमने इसे अच्छे से महीन पीस लिया है और छन्नी से छान भी लिया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हल्का सा गरम कर लेंगे धीमी आंच पर, जिससे इसमें यदि कुछ कच्चापन हो तो वो भी बिल्कुल ना रहे। पाउडर हमारा ठंडा होने के बाद आप किसी से एयरटाइट डब्बे में भरकर रख लें, लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बारिश के समय में ज़्यादा समय तक ना बना के रखें, थोड़ा थोड़ा बना के ज़्यादा खिलाएं अपने बच्चों। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारा जो सरल एग है वो बनकर तैयार है। अब जब भी आप सरल एग बनाना चाहें तो एक चम्मच आप इसमें सरल एग लें, पानी से थोड़ा सा घोल लें, जिससे इसमें गुठलियाँ ना बने। गैस चालू कर रहे हैं, इसमें इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी पानी। बिना स्वाद की कोई से भी बच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं। इसमें एक चुटकी हम नमक डाल देंगे और एक चुटकी जीरा पाउडर, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। क्वांटिटी आप अपने बच्चे के हिसाब से रखें, आपका बच्चा कितना बड़ा है, 6 महीने 7 महीने का, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप अपने बच्चे के हिसाब से रखेंगे, कितना गाढ़ा पतला आप खिलाना चाहते हैं। एकदम छोटा बच्चा है जिसे आपने अभी खिलाना शुरू किया है खाना, तो उसे एकदम पतला खिलाएं। 6 महीने बाद जो खिलाते हैं हम, थोड़ा पतला खिलाते हैं। आप इसे नमकीन मीठा अपनी चॉइस से बना सकते हैं। देखिए, हमारे सरल एग वो अच्छे से पक गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाता है,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने बच्चों को घर का बना शुद्ध सरेलेक खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।